A very warm welcome to all my dear students. In this video, I'll talk about Karl Pearson coefficient of correlation. What is it all about? It is one of the yet another technique of studying the correlation between the variables. It describes the strength of linear relationship between two sets of variables. दो variables के बीच में जो आपस में relationship है उसकी strength को हम coefficient of correlation जो कि Karl Pearson ने दिया था उससे हम जान सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाय आर सिंबल. इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1. ये -1 से लेकर 1 तक के बीच में कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है. ना ही ये -1 से कम होगा और ना ही ये +1 से ज्यादा होगा. अगर कोरिलेशन कोफिशियंट जो कि आर होता है, आर की वैल्यू या -1 या +1 आ जाती है, इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन जो कि यूजली लाइफ में बहुत रेयर सिचुएशन होती है. बट इफ योर आर इज -1 और इट इज +1, दिस मीन्स दैट इज अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन. बट देयर कैन बी फर्दर टू टाइप्स इन दैट. आइदर इट कैन बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और इट कैन बी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर आपकी आर की वैल्यू -1 है, देन योर लाइन विच इज इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड द वाई, इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. बट इफ योर द वैल्यू ऑफ आर इज +1, सो द लाइन विल हैव अ पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. Now further, I want to tell you, if there is absolutely no relationship between two variables, दो variables के बीच में किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है, then the value of r will be 0. And if it is close to 0 but not 0, then उनके बीच का relationship बहुत weak है. But if it is close to 1 but not 1 exactly, that means उनके बीच का relationship बहुत ज़्यादा strong है. So let's see the computation of the value of r. R can be calculated by the formula. We'll take in the numerator the covariance of x and y. This covariance was explained to you by me in the previous video. In the denominator, we take the multiplication of standard deviation of x series and standard deviation of the y. So, we know that, हमने पिछली वीडियो में देखा था, covariance क्या होता है? It is sigma xy upon number of variables, that is n, where जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई की बात करें, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन. नाउ व्हाट आर दी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई? दीज आर बेसिकली, इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल एक्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्स सीरीज माइनस द मीन ऑफ दैट सीरीज. एंड इफ आई टॉक अबाउट वाई, देन इट इज कैपिटल वाई माइनस मीन ऑफ वाई सीरीज. सो डरने की कोई बात नहीं है, हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना सीखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हम ये देखेंगे, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन. वन इज द एक्चुअल मीन मेथड एंड द अदर इज द डायरेक्ट मेथड. दोनों को कब कब इस्तेमाल करना है वो सिचुएशन हम पहले देखते हैं. तो पहली सिचुएशन है जब आपकी जो एक्स सीरीज और वाई सीरीज है उनका जो मीन है, अगर वो मीन इंटीजर है और जो आपकी एक्स और वाई सीरीज की जो आइटम्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, दे आर नॉट वेरी लार्ज, तब आपकी आर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इट इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर. अब आप ये सोचेंगे, अभी तो फॉर्मूला कुछ और बताया था, अब ये बताया जा रहा है. बेसिकली जो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, इसी को जब हम ये सारी चीजें को हम इस आर के अंदर पुट कर देते हैं कि कोवेरियंस की जगह ये रखा जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह ये दोनों रखे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर. ऐसा हम तब करेंगे जब आपके आइटम्स, आपकी फिगर्स वैल्यूज बहुत बड़ी नहीं है, दे आर नॉट वेरी लार्ज, बहुत सिंपल छोटी छोटी फिगर्स वैल्यूज है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर वैल्यूज बहुत बड़ी है तो आपका काम आसान किया जा सकता है अगर आप कुछ एज्यूम मीन ले लें, जैसे कि ए या बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चुन लें और उनको एक्स और वाई में से माइनस करके निकाल लेंगे यू वी, तो आपका फॉर्मूला देखने से काफी हद तक सेम है, बस उसमें सिंबल्स चेंज, नंबर अल्फाबेट्स चेंज हो जाएंगे. सिग्मा यू वी इन द न्यूमरेटर,
डिवाइडेड बाय इन द डिनोमिनेटर वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा यू स्क्वायर एंड सिग्मा वी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन. तो ये यू वी क्या थे, दे आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट. जब हम बात करते हैं एक्स सीरीज की तो डिविएशन ली जाएंगी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ए से, और जब हम बात करते हैं वाई सीरीज की डिविएशन आपकी ली जाएंगी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट बी से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट मेथड. ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है व्हेन द एक्चुअल मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट एन इंटीजर. जो आपकी एक्स और वाई सीरीज है उनका जो मीन आ रहा है अगर वो इंटीजर नहीं है. हमने एक्चुअल मीन मेथड तब यूज किया था जब वो इंटीजर है. अगर वो इंटीजर नहीं है और आपके जो आइटम्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, जो वैल्यूज दी गई हैं, दे आर नॉट वेरी लार्ज, अगर बड़ी नहीं है, देन आपको फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स वाई, जो कि एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन का सिग्मा है, माइनस सिग्मा एक्स इन टू सिग्मा वाई. इन द डिनोमिनेटर वी हैव द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट स्क्वायर रूट. वन इज गिवन इन द पिंक स्क्वायर रूट एंड वन इज गिवन इन द ग्रीन स्क्वायर रूट. सो द पिंक वन इज एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एंड द ग्रीन वन इज एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है. लेकिन अगर आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज है उस केस में आपका फॉर्मूला सिर्फ एक्स की जगह आ जाएगा यू और वाई की जगह आ जाएगा वी. बाकी फॉर्मूला देखने से काफी हद तक सेम है. सो इन द न्यूमरेटर वी हैव एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी. इन द डिनोमिनेटर वी हैव अगेन टू स्क्वायर रूट्स का मल्टीप्लीकेशन. सो द वन स्क्वायर रूट द पिंक वन इज एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एंड द ग्रीन वन इज एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर. हेयर यू एंड वी इज बेसिकली यू इज एक्स माइनस ए एंड वी इज एक्स माइनस बी. सो दिस इज हाउ दीज आर द टू मेथड्स विच विल बी यूज वाइल कैलकुलेटिंग correlation in different situations. So one is the actual mean method. ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब x और y का जो mean है वो integer है, तो इस method का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें भी further दो formulas है, इन दोनों का use तब किया जाएगा. अगर large values है तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और अगर लार्ज वैल्यूज नहीं है तो यू वी वाला यूज करेंगे. इसी तरह डायरेक्ट मेथड के केस में भी एक एक्स वाई वाला फॉर्मूला है और एक यू और वी का फॉर्मूला है. अगर आपकी एक्चुअल मीन जो है वो इंटीजर नहीं आते तब आपको डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, और आपकी वैल्यूज जो है अगर वो लार्ज नहीं है तो अब ऊपर वाला फॉर्मूला, एंड अगर आपकी वैल्यूज लार्ज है तो आपको आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट की हेल्प से ए और बी की हेल्प से यू वी निकालना है, और आपका फॉर्मूला नीचे वाला यूज होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कोवेरियंस बिटवीन द लेंथ एंड द वेट ऑफ फाइव आइटम्स इज 6 and their standard deviations are 2.45 and 2.61 respectively. Find the coefficient of correlation between length and weight. हमारे पास 5 आइटम्स की लेंथ है और 5 आइटम्स का वेट है, उनके आपस का कोवेरियंस 6 है, और लेंथ और वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज 2.45 एंड 2.61 रिस्पेक्टिवली. आपको इन्हीं लेंथ और वेट, इन्हीं 5 आइटम्स के लेंथ और वेट के आपस का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है. नाउ वी विल यूज विच फॉर्मूला. सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कोवेरियंस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सीधा सा आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है. सो द फॉर्मूला, बेसिकली बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिटेल्स गिवन टू मी. सो द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 6. The standard deviation of x series is 2.45, ये मुझे दिया गया है, and standard deviation of y series is 2.61, ये भी मुझे दिया गया, और covariance भी मुझे दिया गया है. Now I know that the formula of r is covariance of x and y in the numerator divided by standard deviation of x multiplied by standard deviation of y. So 6 upon 2.45 multiplied by 2.61. Your answer will be, with the help of calculator you can do that. Let me do it. So it is 0.938. Now let's talk about another question which is sort of similar but still different. कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स 0.48. आपको r पहले से दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 0.48.
देन इट इज बीइंग सेड देयर कोवेरियंस इज 36. जो कोवेरियंस है इन दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच का, दैट इज 36. एंड इफ द वेरियंस इज 16, एक्स सीरीज का जो वेरियंस है आपको वेरियंस दिया हुआ, वेरियंस इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन. सो वेरियंस ऑफ x series is 16, so the standard deviation of x series is 16 ka square root, which will be equal to 4. Now you are being asked to find out the standard deviation of y series, so I'll again use the same formula. R is equal to covariance of x multiple x and y in the numerator and standard deviation of x multiplied by standard deviation of y in the denominator. And I know by the question ki inke beech ka r jo hai, that is 0.48. कोवेरियंस जो है वो है 36, स्टैंडर्ड डेविएशन जो x का है वो है 4, और y का मुझे पता नहीं जो कि मुझे निकालना है. तो इससे हम आगे से सॉल्व आउट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 36. लेट सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. सो बेसिकली दिस इज 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 4 9 is 36, so 9 upon 0.48. So my answer will be 18.75. That is how you will do it. Now let's talk about the third question. Find R between X and Y. नंबर ऑफ आइटम्स एक्स सीरीज में है 15, वाई में भी है 15. अर्थमेटिक मीन एक्स का है 25, वाई का है 18. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन, मीन से डेविएशन मतलब कि क्या हो गया, ये है स्मॉल एक्स और ये है आपका स्मॉल वाई. तो बेसिकली आपको स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन दिया हुआ है. बेसिकली आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये आपको सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो दैट इज 136 एंड दैट इज 138. और आपको बोला गया जो डेविएशंस है एक्स की वाई के बीच में, जो आपस की जो डेविएशंस है, नहीं जो उनकी डेविएशंस का आपस का मल्टीप्लीकेशन है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका सम जो है दैट इज 122. और उन्होंने बोला कि आर निकालिए. सो आर का एक फॉर्मूला और भी आपको बताया गया है. आर का फॉर्मूला होता है जब आपकी वैल्यूज बड़ी नहीं होती, आपकी मीन जो है दे आर इंटीजर्स, जैसे कि यहाँ पे 25 और 18 आर इंटीजर्स, तो आपका मीन होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर. सो आई विल सिंपली यूज द फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, एंड एवरीथिंग इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन. सिग्मा एक्स वाई इज 122, इट इज द समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, जो कि होता है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई डेविएशन, उनका सम, उनके मल्टीप्लीकेशन का सम, तो 122. एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 136 into 138. So with the help of calculator, I'll solve it out. Let me do it. So it is 122 divided by 137 equal to 0.89. So this is over for this question. Now let's talk about the fourth question and the last question for the video. Find the Karl Pearson coefficient of correlation from the following data and interpret your result. आपको ना सिर्फ R निकालना है बल्कि अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना है. Now, a table is given to you. You are given two series, capital X and capital Y. The X series have 300, 350, 400, 450 and so on items. And Y series also have 800, 900, 1000, 1100, 1200 and so on items. Now, we need to find out R. But before finding out R, we need to find out which formula should we use. सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या इनके मीन इंटीजर्स आते हैं. कि इंटीजर्स नहीं आते तो पहला चीज तो है कि मीन निकाल के देखो. तो मीन निकालने के लिए मैं इसका टोटल कर दूंगी, इसका भी टोटल कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. सो लेट मी डू इट. सो दिस वन इज 4500, द टोटल ऑफ एक्स सीरीज, एंड द टोटल ऑफ वाई सीरीज इज 10,800. सो द मीन ऑफ द एक्स सीरीज इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, mean of the y series is sigma y upon n. Sigma x upon n is 4500 divided by 9, because these are 9 items, and sigma y upon n is the y ka mean, which is 10,800 divided by 9. So your answer is 500 and 1200, and both these are integers. So ye to clear hai ki aapko
एक्चुअल मीन मेथड का यूज करना है क्योंकि x और y इंटीजर्स हैं। अब बात आते हैं क्या वैल्यूज लार्ज नहीं है या लार्ज है। यहाँ पे तो वैल्यूज बहुत ही लार्ज है बिकॉज दीज आर इन हंड्रेड्स। सो विल बी फाइंडिंग आउट अ u एंड अ v। सो बेसिकली u आप कैसे निकालेंगे, आप ले लेंगे मीन जो कि है मीन ऑफ x इज 500। सो x माइनस उसका मीन अपॉन, सिंस आई एम फाइंडिंग आउट अ स्टेप डिविजन, तो आप देख रहे हैं हर नंबर में 50-50 कॉमन है तो 50 से डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड स्टेप डिविजन फ्रॉम मीन फॉर द y सीरीज इज, y का मीन जो है दैट इज 1200। सो 12 आई विल बी टेकिंग y माइनस y बार इन द न्यूमरेटर एंड इन सब में 100 कॉमन है तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी। सो लेट स्टार्ट इट। 300 माइनस 500 इज माइनस 200, बट माइनस 200 को जब 50 से डिवाइड किया जाएगा आई गेट अ माइनस 4। 350 माइनस 500 इज माइनस 150, माइनस 150 को 50 से डिवाइड करेंगे विल गेट अ माइनस 3। 400 माइनस 500 इज माइनस 100, माइनस 100 को जब 50 से डिवाइड करेंगे विल गेट अ माइनस 2। 450 माइनस 500 इज माइनस 50, सो माइनस 50 को 50 से डिवाइड करेंगे विल गेट अ माइनस 1। 500 डिवाइडेड बाय 500 इज 500 माइनस 500 इज 0, 550 माइनस 500 इज 50 ओनली, पॉजिटिव 50 बट डिवाइडेड बाय 50 इज 1। 600 माइनस 500 इज पॉजिटिव 100 बट 100 डिवाइडेड बाय 50 इज 2। 650 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 650 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 इज 150 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज पॉजिटिव 3। एंड 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 इज 200 डिवाइडेड बाय 50 इज पॉजिटिव 4। सो लेट्स टॉक अबाउट द वी सीरीज। 800 माइनस 1200 इज 400, वो भी माइनस 400। सो माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100 इज माइनस 4। 900 माइनस 1200 इज माइनस 300, माइनस 300 डिवाइडेड बाय 100 इज माइनस 3। सो 1000 माइनस 1200 इज माइनस 200, माइनस 200 को हम जब 100 से डिवाइड करेंगे विल गेट अ माइनस 2। 1100 माइनस 1200 इज माइनस 100, 100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे विल गेट अ माइनस 1। 1200 माइनस 1200 इज 0, 1300 माइनस 1200 इज 100, सो 100 डिवाइडेड बाय 100 इज 1, सो विल गेट 1, 2, 3, 4 बिकॉज ऑल दीज आर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 100 ओनली। देन विल फाइंड अ u स्क्वायर, सो इट विल बी 16, ये भी 16, 4 4 इज 16, 3 3 इज 9, 2 2 इज 4, 1 1 इज 1, 0 0 इज 0, 1 1 इज 1, 2 2 इज 4, 3 3 इज 9 and 4 4 इज 16. Then once again for the V series, 4 4 is 16, 3 3 is 9, 2 2 is 4, 1 1 is 1, 0 0 is 0, 1 1 is 1, 2 2 is 4, 3 3 is 9 and 4 4 is 16. Now let's find out UV. It will again be the square of UV because 4 4 is 16, 3 3 is 9, 2 2 is 4, 1 1 is 1, 0 0 is 0, 1 1 is 1, 2 2 is 4, 3 3 is 9 and 4 4 is 16. Now we need to find out the total of all of them. So sigma u squared, you can find it out with the help of calculator. It is 60, so this will also be 60 and that will also be 60. So you simply need to put everything in the formula. The formula is R, it is equal to sigma UV jo ki hai 60 upon 60 into 60. So it is 60 upon 60, it is 1, which is positive 1. So interpretation of the result, because the question is asking us to do that, interpretation of the result is that these two series x and y series have perfect positive correlation. Perfect positive correlation exists between x and y. So that's it for this video. I hope you understood everything. For your queries, please post in the comment section. And now look forward for the other video, two videos. In the second video, I'll be talking about the properties of Karl Pearson coefficient of correlation. And the further next video, I'll be talking about the
टिपिकल प्रॉब्लम्स जैसी एग्जाम्स में आती हैं, घुमा फिरा के पूछा जाता है। सिंपल सवाल कभी किसी यूनिवर्सिटी में कोरिलेशन से नहीं पूछा जाता। तो विल डिस्कस थ्री क्वेश्चंस इन दैट एंड इन द फर्दर वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बाइवेरिएट सीरीज एंड दी स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।